देवरिय पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे स्वर्गीय कमला यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर अनेक सपाइयों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय कमला यादव का समस्त जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही संघर्ष किया था। उनका व्यक्तित्व जीवन बहुत ही सराहनीय रहा है। उनके निधन से जो स्थान खाली हुआ है इसमें सपा को काफ़ी क्षति हुआ है। अजय यादव ने बताया कि मेरे पिता मेरे लिए एक आदर्श थे। उनके पास सभी क्षमताएं थे जो सर्वश्रेष्ठ पिता में होनी चाहिए। वह एक सच्चे व ईमानदार नेता थे जो हर समय लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाते थे। ऐसे पिता को खोना मेरे लिए काफ़ी दुख की बात। मेरे मन को भारी तकलीफ हो रहा है। मैं कमला यादव के काफ़ी निकट रहा हूँ। ऐसे ऐसे संकट की घड़ी में मैं उनके करीब रहा हूँ कि एक बार ऐसी उनके ऊपर संकट आई थी। 50,000 की आबादी पर वो जिला पंचायत दो बार क्षेत्र की महान जनता ने उन्हें चुना था और तमाम साथियों के साथ भी वो मुझे याद किया। उस संकट की घड़ी में मुझे अपने को गर्व है कि मुझे उस लाइन को समझा कि संकट घड़ी मुझे याद किया। और भाई कमला यादव दो बार जिला पंचायत सदस्य रहे और दोनों बार जालिमों को पराजित करके वो जीत हासिल किया और बहुत कम समय में वो क्षेत्र की जनता के नज़रों में लोकप्रिय होते गए। और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोगों को बहुत दुख है। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। वह वक्त था जो हमने एक साथ है गुजारा। आज उनकी याद आ रही है, रुला रही है। और उनके ये पुत्र अजय यादव उनके ब्लड हैं, उनके खून हैं, खानदान हैं। और मुझे विश्वास है जिस तरह से टीपू सुल्तान ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया था, अजय यादव भी अपनी पिता का विरासत को आगे बढ़ाएंगे, उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी का पूरा इनके ऊपर सहयोग है। डॉक्टर दिलीप यादव जिला जज से लेकर हमारे जनपद के पूर्व विधायक माननीय सुरेश यादव सहित तमाम हमारे नौजवान साथी आए हैं और हम लोग इनके साथ हैं। हर पल इनके दुख संकट घड़ी में हम लोग इनका सहयोग और समर्थन करेंगे। सभी समाजवादी पार्टी के अधिकृत लोग उपस्थित हैं और इस सभा में उपस्थित होकर आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे पिताजी के प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर जो भी गणमान्य मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पिताजी के संघर्षों के साथ।